नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 30 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 30 में 6.39 इंच जबकि Redmi Note 11S में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Narzo 30 से कम है। विड्थ की बात करें तो Narzo 30 में 2.97 इंच जबकि Redmi Note 11S में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Narzo 30 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 30 में 0.37 इंच जबकि Redmi Note 11S में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 30 में 192 ग्राम्स जबकि Redmi Note 11S में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Narzo 30 में IPS LCD जबकि Redmi Note 11S में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 30 में 6.5 इंचेस जबकि Redmi Note 11S में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 30 में 83.36% जबकि Redmi Note 11S में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 30 में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11S में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 30 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11S की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU की बात करें तो Narzo 30 में Mali G76 MC4 जबकि Redmi Note 11S में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 30 में MediaTek Helio G95 और Redmi Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB, 6 GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB, 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 64 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo 30 में अप टू 256 GB जबकि Redmi Note 11S में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Narzo 30 में 2 कलर्स जबकि Redmi Note 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,448 रुपीस, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 30 में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11S की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11S आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y30 है, दूसरा Oppo F17 Pro है, तीसरा Vivo Y12S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।